हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्वीटी गोदारा। तो आप सब कैसे हो? होप सो आप भी अच्छे होंगे, हम भी अच्छे हैं। तो दिन की शुरुआत हो चुकी है और पीयूष नहाने गया है, शाची पढ़ाई कर रही है, चेरी को खाना दे दिया है, मैंने भी ब्रेकफास्ट ले लिया है। तो ऐसे ही चलता रहेगा सारा दिन। ये रही माश है साक्षी, जो कर रही है पढ़ाई, बट पता नहीं पढ़ाई क्या करती है, राइटिंग ही पूरी नहीं होती इन बच्चों की, तो हमें तो समझ में ही नहीं आता। तो फ्रेंड्स मिलते हैं, फिर निकल चुके हैं कड़ी पत्ता लेने के लिए। और कड़ी पत्ता लेंगे हम, यहाँ पे साइड में बहुत बड़ा पेड़ है उससे तोड़ेंगे, और तो अभी नीचे जा रहे हैं और फर्स्ट फ्लोर आ चुके हैं, फिर कड़ी पत्ता लेके आएंगे। चलो सुनते हैं। तो नहीं पता, ये वाला पेड़ होता है कड़ी पत्ते का, ये है कड़ी पत्ता और इसमें से स्मेल भी बड़ी अच्छी आती है, तो ये मैंने तोड़ दिया है। अभी हम चलते हैं घर पे और फिर इसको डालेंगे हम आज सांभर में। वो रह जाती लाल चेरी, ये रहा हमारा कड़ी पत्ता, चलते हैं बना। और आज मैं थोड़ा लेट हो गया आने में, क्योंकि आज सुबह से पानी गया हुआ था। साक्षी का चल रहा है खाना, आज बनाया खाने में इडली सांभर, जैसे कि मैंने आपको बताया था पहले ही नहीं। तो ये रही मम्मा। हेलो हेलो, गुड मॉर्निंग करते हो आपने मेरे बिना? हाँ, मैंने शुरू कर दिया था। और बता, तो चलो आपको दिखाते हैं आज का खाना कैसा है। हमारी सांभर ये है कुछ ऐसी, बहुत अच्छी अच्छी। मेरे को पता नहीं सारा खाना इतना अच्छा कैसे बना देती है। गेस करो कि इसमें कड़ी पत्ते का, राई का, और वो लगाया है मिर्च का, बाद में तड़का भी लगाया। तड़का डाल दूँ हम तेरा? डालो। ओ, 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 बस मिर्च भी डाल दूँ? ना अरे नहीं, अरे अरे कड़ी पत्ता भी डाल दिया। अरे ये हमारी सब्जी, ये रही मिर्च है, इसमें कड़ी पत्ता भी है। ओए होए बढ़िया। हाँ एक, और तो ये इडली जो है इतनी सॉफ्ट है, देखो ये दिखाती हूँ मैं, देखो कितनी सॉफ्ट इडली है, बिल्कुल नरम नरम इडलियाँ हैं। और ये खाएंगे पीयूष। ये रही हमारी आपकी थाली, थाली तो नहीं प्लेट, इसको खाएंगे। और आपको ये बैटर, ये कड़ी पत्ता था यहाँ पर, ये सांभर, और ये इडलियाँ निकाल दिया जो मैंने। और मैं इडलियाँ कैसे बनाती हूँ वो भी दिखाऊँ। मैं इडलियाँ बना रही हूँ कुकर में, कुकर में ये सीटी निकाल के इसके अंदर सर्चा डाला हुआ है, तो इसी के अंदर बन रही है इडली। कोई भी प्रॉपर रेसिपी चाहिए तो उसके लिए कमेंट कर देना, उसको हम शेयर कर देंगे। जो भी कोई रेसिपी अगर आप लोगों को अच्छी लगती है दिखने में, तो उसको हम शेयर कर देंगे, ठीक है। चलो अब पीयूष खाना खा रहा है, मिलते हैं थोड़ी सी देर के बाद। हो चुके, तो आज मैंने खाने के साथ नहीं ली थी लस्सी, तो मैंने ले लिया लस्सी नमक जीरा डाल के। उसको मैं नहीं सकता छोड़, क्योंकि वो मेरे फेवरेट, तो उसको पीते फिर आपसे मिलते हैं। इतना हो चुका है 6:15 बजे, और तो जैसे मैंने टाइम देखा है 6:15 हो चुके हैं और बच्चे जा चुके हैं ट्यूशन पे। 4 बजे चले जाते हैं, 7:30 के आसपास आते हैं। तो मुझे भी मार्केट में थोड़ा सा काम था, मैंने सोचा मैं भी चली जाती हूँ और मिलती हूँ आपको। और थोड़ी बहुत वॉक भी हो जाएगी या फिर माइंड चेंज भी हो जाएगा घर पे रह रहे के। ऐसा हो जाता है कि जैसे इंसान पागल हो जाएगा, क्योंकि अब फिर कई दिन से वॉक पे नहीं जा रही थी। तो मिलती हूँ आपको नीचे, या फिर रास्ते में अगर ब्लॉक कर पाई तो रास्ते में मिलते हैं आपसे थोड़ी बहुत देर के बाद। फ्रेंड्स मिल चुके हैं मुझे बच्चे, और अब जा रहे हैं हम घर पे। तो मुझे जो शॉपिंग करनी थी वो मैंने कर ली है थोड़ी बहुत। मुझे चेरी के लिए फूड चाहिए था, वो यहाँ पर मिला ही नहीं इस वाली मार्केट में, उसके लिए मुझे कहीं और जाना पड़ेगा। गाइस, साक्षी और जतिन को छोड़ने के बाद और मम्मी दोबारा से निकल चुके हैं। हमें लेना था डॉग फूड, जो उस मार्केट में नहीं मिला। यहाँ पर पेट शॉप्स अच्छी वाली नहीं थी, बट यहाँ इस वाली मार्केट में जिससे मैं पहले ले चली हूँ उसी पे जाना पड़ेगा। कोई नहीं, हम अभी जाते हैं चेरी को फूड उठाते हैं, फिर आपसे मिलते हैं, ठीक है। चलो सब कुछ दे सकते हैं, बहुत कुछ है ऐसे। ये पड़ा आपका 1990 का, 1990 का है, बता दो उसमें।
फिर खराब नहीं हुई इतने ज्यादा टाइम के लिए? नहीं आप ये बताओ ना, ये वाला कितने का पड़ेगा? ये है 1990 का है सैम। ये कितने के जी का है? ये 4 किलो का। कितने का पड़ेगा ये? 1790 का। और भैया मतलब वैसे अगर आपने रिकमेंड करो तो रॉट व्हीलर के लिए बेस्ट क्या है? रॉट व्हीलर में बेस्ट आपका हाई प्रोडक्ट मतलब हाई कंटेंट न्यूट्रिएंट है आपका, हाई सोया का आता है आपका, साइंस आता है, मोंग जाता है, थोड़ा कॉस्टली पड़ता है। ये उससे भी ज़्यादा कॉस्टली है? हाँ। इसमें क्या है? मतलब पढ़ के ये क्या है? इसमें क्या आपका टर्की और सैलमन का आपका हाइपोथ है, कितने देर तक कितने घंटे तक रहता है खाना? उसको तो भूख बहुत लगती है हमारे घर में, बहुत ज्यादा, 3 महीने का भूखी मरती रहती है, जैसे किसी से छुट्टी नहीं है। 2-3 घंटे बाद फिर? 2-3 घंटे का नहीं है उसका, 1 घंटे वही दे दे भैया। 1 किलो का कितने का है? 1 किलो का मेरे पास अभी है नहीं, वो मैं उस दिन लेके गई थी, होता पता है अभी है नहीं। तो हमारे लिए तो थोड़ा और डिस्काउंट होना चाहिए, अब तो हम कई बार आ चुके हैं। मैं चेक करूँगा कितने का आता है, चेक देख लूँगा। और क्या दे सकते हैं भैया उसको? वो जो बचा हुआ सांभर था उसको हम यूज कर रहे हैं। अब मैं बना रही हूँ सूजी के उत्पम, मॉर्निंग में इडली थी तो उसका यूज करना है बस, और कुछ नहीं है क्योंकि वेस्ट नहीं करना चाहिए खाना। और अब बनाएंगे हम उत्पम, आपको दिखाते हैं। देखिए वेजिटेबल उत्पम ऐसा कुछ, ये 2 तवे हमने इसलिए रखे हुए हैं क्योंकि हमारी है जॉइंट फैमिली और बिग फैमिली, एक पे रितु देख रही है एक पे मैं देख रही हूँ इसीलिए। और ये हमारा बैटर कुछ इस टाइप से है, ये देखो ऐसा, इसके अंदर शिमला मिर्च, टमाटर और प्याज, दही और सूजी से बनाया है ये बैटर, ये देखिए। और यहाँ चल रही है पीयूष की थाली इसकी फेवरेट लस्सी, हमारी थाली उत्पम। ये है हमारा क्या बोलते इसको, सांभर और लस्सी, ये हम कभी नहीं भूल सकते, सुबह हो चाहे शाम हमें लस्सी ज़रूर चाहिए, नमक जीरा डाल के लस्सी, नहीं तो दही तो पक्का चाहिए, एक ना एक चीज़ मेरे को ज़रूरी है, लस्सी मिल जाए तो मज़ा ही आ जाता है। पसीना देखो मुझे किचन में कितना पसीना आता है, ये मेरे को देख के अंदाज़ा लगा लेते हो कि किचन में कितनी मेहनत करनी पड़ती है बच्चों के लिए। उत्पम अच्छा था? हाँ भाई स्वाद आ गया, स्वाद आ गया। हाँ भाई वो इंटरेस्टेड, ये खाने में बिजी हैं तो खाने देते हैं इनको। लो भाई लो, कौन सा लेगा? अरे 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 जरा पीयूष की झंड होते हुए देखिए, बताइए भाई, बोल बोल बोल, मुंह पे भी लगा हुआ है, बोल 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 बोल, थोड़ा सा झंड झंड। तो गाइस मैंने पीयूष की कर दी है झंड, थोड़ी झंड। हाँ भाई ये केचप के साथ ले रहा है, सांभर क्यों नहीं लिया? वैसे ही क्यों केचप के साथ कल खाते। चलो फ्रेंड्स मिलते हैं थोड़ी बहुत देर के बाद। तो गाइस अभी हो चुकी है रात, टाइम हो चुका है 11:30 तो, और शाक्षी कर रही है अभी पढ़ाई, पीयूष ने खत्म कर ली है। तो फ्रेंड्स इस व्लॉग को हम करते हैं यहीं पर खत्म, अब समय आ चुका है आप लोगों से विदा लेने का थोड़े टाइम के लिए, फिर जल्दी मिलेंगे एक ऐसे बढ़िया नए व्लॉग में, व्लॉग में। तो तब तक के लिए गुड नाइट। पीयूष है ना ऐसे मस्के लगाता है, अगर मेरे को गुस्सा आ जाता है ना कि मैं इसको पीटने वाली हूँ या गुस्सा करने वाली हूँ, तो ये पता है क्या करता है, तो ये आके ऐसे झपकी कर लेता है, मम्मी 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 ऐसे करके मस्का लगाता है, बहुत ज्यादा मस्का लगाता है। क्या आपके बच्चे भी ऐसे मस्का लगाते हैं? वो मस्का नहीं, वो प्यार है मेरे साथ, इतना हिला के प्यार दिखा रहे थे, जब भी इसको लगता है कि हाँ कुछ गड़बड़ है मम्मी गुस्से में आई, तभी आगे झप्पी लग लेते मम्मा मम्मा ऐसे करने लग जाते, फिर मेरा गुस्सा जब भी पिघल जाता है। ट्रिक्स ट्रिक्स।
Thank you.